नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता हैं जो अपने टैलेंट से जाने जाते हैं, और ऐसे भी हैं जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको फिल्में बैक टू बैक मिलती रहती हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, क्योंकि ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं के अंडरवर्ल्ड डॉन से ताल्लुक होते थे और फिल्म इंडस्ट्री पर उनका दबदबा हुआ करता था। कई अभिनेताओं को दाऊद की धमकियों का सामना भी करना पड़ता था, मजबूरन एक्टर को वही करना पड़ता था जैसा दाऊद उनको करने को कहता। ऐसे ही एक बार दाऊद ने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी। आखिर किस को लेकर दाऊद ने मिथुन को धमकाया था और कैसे इस मामले को संजय दत्त ने शांत करवाया, चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को पता है बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनको आज भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से याद किया जाता है। इन्हीं अभिनेत्रियों में से कई ऐसी भी हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी रिलेशन बनाकर रखा। इनमें से एक एक्ट्रेस थी मंदाकिनी, जिनका अफेयर दाऊद के साथ काफी समय तक रहा। कहा जाता है कि उसी दौर में मंदाकिनी को मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का मौका मिला। ये वो समय था जब मिथुन एक के बाद एक हिट मूवी दे रहे थे, तो मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती ने 1987 से लेकर 1990 तक करीबन 12 से 13 मूवीज में एक साथ काम किया, जिसमें जीते हैं शान से, कमांडो जैसी फिल्में शामिल थी। एक साथ इतनी फिल्मों में काम करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती का दिल मंदाकिनी पर आ गया। जब भी मिथुन चक्रवर्ती को फिल्में ऑफर होती तो वो उस फिल्म में डायरेक्टर से बात कर मंदाकिनी को लेने को कहते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को पता नहीं था कि मंदाकिनी पर दाऊद की नज़र है। और जब दाऊद को मिथुन और मंदाकिनी की नज़दीकियों के बारे में पता चला तो दाऊद ने मिथुन को मंदाकिनी से दूर रहने की धमकी दे डाली। मगर मिथुन चक्रवर्ती ने दाऊद की धमकी को सीरियस नहीं लिया और उनका मंदाकिनी के साथ मिलना जुलना लगा रहा। लेकिन एक दिन जब मिथुन ने देखा कि कुछ गुंडे गाड़ी में उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह घबरा गए और मिथुन को दाऊद की धमकी का सही से एहसास हो गया, जिसके बाद उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपने दोस्त संजय दत्त से बात की। मिथुन ने सारी बात संजय दत्त को बताई। मिथुन ने संजय दत्त को ये बात बतानी जरूरी इसलिए समझा क्योंकि कहते हैं उस समय संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड के भाई लोगों से काफ़ी लिंक थे, वो खुद भी मुंबई के भाइयों में गिने जाने लगे थे, और यही वो कारण था जब मिथुन चक्रवर्ती ने समझदारी से काम लेते हुए संजय दत्त से मदद लेना जरूरी समझा। इसको लेकर संजय दत्त ने दाऊद से बात की और इस मामले को यहीं खत्म करने को कहा। दाऊद ने संजय दत्त की बात मान ली। मिथुन चक्रवर्ती अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, और इसी अच्छेपन की वजह से ही संजय दत्त उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने उस दिन के बाद से मंदाकिनी के साथ कभी काम नहीं किया। तो दोस्तों, आपको मिथुन चक्रवर्ती कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।